हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनलाइन आधार कार्ड कैसे अपडेट किया जाता है बिना आधार सेंटर जाए। आपका मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड से लिंक है तो आप घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं 50 रुपये में। तो इस वीडियो में आप पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आ गए हम अपने मोबाइल में और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। कोई सा भी क्रोम ब्राउज़र हो तो यहां पे ओपन कर लेंगे और यहां पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा, UIDAI लिख के आपको सर्च कर देना है। तो यहां पे ये देखिए फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना होगा जो कि आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे और यहाँ पर नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है वो सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। स्मॉल में है, कैरेक्टर में है, जिस तरीके से लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे सेम ऐसा ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम सेंड फिल करेंगे और नीचे लिखा हुआ है सेंड OPT। तो यहाँ पे OPT आपके मोबाइल में जो भी लिंक आधार से है वो आपके मोबाइल में ये मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैसेज देख लेना है अपने मोबाइल में और जितना भी पासकोड आया हो वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर भरने के बाद में नीचे लिखा हुआ लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट आधार ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ प्रोसीड टू अपडेट आधार, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी पहले से डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। और यहाँ पे केयर ऑफ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे हाउस नंबर अपना डालेंगे, जो भी आपका पूरा एड्रेस है, यहाँ पे स्टेट, एरिया, लोकमार, पिन कोड और यहाँ पे कस्बे का नाम, गांव का नाम जो भी आप कह डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है और यहाँ पर स्टेट जो कि राज्य होता है यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पे हम अपनी सारी जानकारी को यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे अपना चेक कर लेना है जो भी हमने जानकारी डाला हुआ है वो यहाँ पे सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारी जानकारी को सही तरीके से फिल कर दिया है और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से आप का आधार लेटर भी लगा सकते हैं और पंचायत का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लगवा सकते हैं, NPMLA का सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, वाटर बिल भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो आपके पास में जो भी है लगा सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, जहाँ भी आपके लोकेशन में रखा हुआ है फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे अपलोड हो गया और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लेता है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है और यहाँ पे पिन का जो आइकन बना हुआ है यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं अगर डिटेल गलत हो गई है। और यहाँ पे नीचे टिक मार करेंगे दोनों बॉक्स में और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे नीचे टिक मार करेंगे बॉक्स में और माइक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, UPI और यहाँ पे Paytm, आपके पास में जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास में UPI है तो UPI ID
हम यहाँ पे डाल के अपना पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पेटीएम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी पेटीएम की यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। और डालने के बाद में नीचे लिखा हुआ वेरीफाई, आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे ये आपका 50 रुपीज़ का पेमेंट मांग रहा, तो हम यहाँ पे पेटीएम ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ इसे हम 50 रुपीज़ का पेमेंट करने वाले हैं अपने पेटीएम ऐप से। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है और यहाँ पे ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरीके से अपना पेटीएम से पेमेंट सक्सेस होने के बाद में यहीं डिशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड आधार कार्ड भी कर सकते हैं, PBC आधार कार्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं और यहाँ से बैंक लिंक आधार स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट आधार, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसी जगह से आप जो भी जानकारी को अपडेट किया हुआ है वो यहाँ से आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे कितनी तारीख को किया हुआ है वो यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। यहीं से स्लिप जो नंबर जो होता है वो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये स्लिप आपको रख लेना है अपने मोबाइल में और यहाँ से हमारी डाउनलोड हो गई, यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हमारे मोबाइल में ओपन हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमारे मोबाइल में ये ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप अपना आधार अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन 50 रुपीज़ में। आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो